नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अध्याय नंबर 6 के बारे में, और अध्याय नंबर 6 है आज हमारा जैव प्रक्रम। देखिए, जैव प्रक्रम के बारे में समझने के लिए एक उदाहरण को समझिए कि हम जो मानव का निर्माण जो है वो मुख्य रूप से बंदर से माना जा रहा है, यानी बंदरों में बहुत सारे परिवर्तन हुए और उन्हीं परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप आखिर में जो एक नया वर्जन निकल गया या फिर एक पूर्ण रूप से व्यवस्थित जो बॉडी का स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ वही स्ट्रक्चर मानव है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस संरचना को बनने में काफ़ी साल लगे और कई सारी इन संरचनाओं में ऐसी संरचनाएँ आई जो कि विलुप्त होती गई। तो एक तरीके से मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यानी कि वह सभी प्रक्रम, देखिए परिभाषा क्या है, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहलाता है। यहाँ अनुरक्षण का मतलब है कि उस जीव को या उस जंतु को धरती पर रहने के अनुकूल बनाना, यानी यहाँ पर पृथ्वी पर रहने के जो अनुकूल बनाने की जो विशेषताएं हैं, कुछ नई विशेषताएं प्रकट होती हैं, कुछ विशेषताएं विलुप्त हो जाती हैं। जैसा कि हमने सुना है कि पहले सांप के भी पैर हुआ करते थे, लेकिन अब सांप के पैर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये सांप के जो पैर हैं वो उसको बिल में जाने के लिए या किसी होल में जाने के लिए बाधा उत्पन्न करते थे, इसलिए धीरे धीरे इनका काम खत्म हो गया तो फिर ये पैर यहाँ से इसके हट गए। तो एक तरीके से हमने क्या देखा कि इसके अंदर कुछ चीज़ों में परिवर्तन हुआ, कुछ अंगों में परिवर्तन हुआ, तो ये सारा जो प्रक्रम होता है इस प्रक्रम को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोला जाता है। ठीक है, और इसी प्रक्रम के कारण हमारी उत्पत्ति बंदरों से मानी जाती है, मानव की उत्पत्ति बंदरों से मानी जाती है, जिसमें अनेक सारे परिवर्तन होने के बाद में आज का एक आधुनिक स्ट्रक्चर जो है मानव शरीर वो देखने को मिलता है। अब जैव प्रक्रम में मुख्य रूप से चार चीज़ें वर्क करती है, पहला पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है वहन और चौथा है उत्सर्जन। जैव प्रक्रम के मुख्य चार पॉइंट है, पहला है पोषण यानी वो किस प्रकार का पोषण ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, दूसरा है श्वसन, तो जल में रहने वाले जीव हैं उनके श्वसन अंग अलग होते हैं, हमारे श्वसन अंगों में फर्क है, वहन यानी उनके अंदर चलने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थ, और उत्सर्जन यानी कि वो किस प्रकार के पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। ये तो चार मुख्य चीज़ें हैं जिनमें बदलाव होता है, विभिन्नता होती है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के जीवों में जैव प्रक्रम देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं पोषण के बारे में। पोषण किसे कहेंगे, भोजन ग्रहण करना, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, देखिएगा, भोजन ग्रहण करना और पचे हुए भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। पोषण का क्या तात्पर्य हो गया, सिंपल सी बात है, पहली बात है भोजन ग्रहण करना और दूसरी बात है पचे हुए भोजन का अवशोषण और शरीर द्वारा अनुरक्षण, जो भोजन पच गया है उसमें से पौष्टिक पदार्थों को अलग करना, उनको अवशोषण करना, ये कहलाता है पचे हुए भोजन का अवशोषण, और शरीर के द्वारा अनुरक्षण के लिए इनका उपयोग करना, शरीर की सुरक्षा के लिए, शरीर में जो पदार्थों की आवश्यकता होती है उनके उपयोग के लिए इन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है और इसे कहा जाता है पोषण। यानी हम विशेष रूप से ये कह सकते हैं कि पचे हुए भोजन से पौष्टिक पदार्थों को ग्रहण करके शरीर के अनुरक्षण में प्रयोग करना ही पोषण कहलाता है। पोषण में आप सभी जानते हैं बहुत सारे पदार्थ आते हैं, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारे पौष्टिक पदार्थ होते हैं जो कि शरीर में पोषण के रूप में कार्य करते हैं, और ये सारे पदार्थ हमें किसके रूप में, किससे प्राप्त होते हैं, भोजन से प्राप्त होते हैं। तो पोषण के आधार पर जीवों को दो वर्गों में बांटा गया है, अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार का पोषण प्राप्त करते हैं, इस आधार पर जीवों को मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया गया है। वो कौन कौन से भाग है देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं पोषण की। अब पोषण जो है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया गया है, एक तरफ होता है पहला स्वपोषी और दूसरी तरफ होता है विषमपोषी, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी किसे कहेंगे, जैसा कि यहाँ से नाम से ही हम देख पा रहे हैं, स्वपोषी, स्व का मतलब होता है खुद, स्व का मतलब होता है खुद, और पोषी का मतलब होता है पोषण, यानी खुद ही अपना भोजन बना रहे वो होंगे स्वपोषी। और विषमपोषी का अर्थ यहाँ से हम देख रहे हैं, विषम यानी दूसरों पर, ठीक है, विषम यानी दूसरों पर, खुद नहीं है, और पोषी का मतलब होता है पोषण, यानी पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहना, ये कहलाता है विषमपोषी। क्या है स्वपोषी, देखिए, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित तरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पर तीन चीज़ें आ गई, देखिए, एक CO2 आ गया, दूसरा पानी आ गया और सूर्य का प्रकाश आ गया। ये तीन चीज़ें आते ही आपके तुरंत दिमाग में आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण, बिल्कुल सही दिमाग लगा रहे हैं आप,
प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया जो मुख्य रूप से हरे पादप करते हैं, तो इसका उदाहरण भी है हरे पादप। ये स्वपोषीय अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन से पदार्थ आते हैं, वह पदार्थ आते हैं, वह जीव आते हैं जो कि CO2, पानी और सूर्य यानी वातावरण के घटक से, वातावरण के अजैव घटक, कौन से घटक, अजैव घटक से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है स्वपोषी। दूसरी तरफ देखा जाए तो विषमपोषी, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें कहा जाता है विषमपोषी। इसमें मानव और सभी जीव जंतु आते हैं, जितने भी इस धरती पर जीव हैं, कुछ जीवों को छोड़कर जो कि मुख्य रूप से सजीवों में हरे पादप आ जाते हैं, ये एक ऐसे हैं जो कि मोटे रूप में देखा जाए तो ये स्वपोषी हैं, बाकी सारे क्या हैं, विषमपोषी है। कुछ गहराई से या सूक्ष्म जीवों की, ऐसे कुछ सूक्ष्म जीवों की बात करें उनको स्वपोषी कह सकते हैं, लेकिन जनरली 99% जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं, खुद अपना भोजन नहीं बनाते। आपको पता है, आप चाहे शेर देख लीजिए, आप चाहे चीता देख लीजिए, आप चाहे हिरण देख लीजिए, गाय देखिए, भैंस, जो भी आपकी नज़र में जीव आ रहा है सबको देखिए, क्या वो भोजन अपना खुद बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। आपका ये जवाब आएगा क्योंकि वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। शेर हिरण का शिकार करेगा, हिरण को भोजन के रूप में ग्रहण करेगा, तो शेर किस पर निर्भर कर रहा है, हिरण पर निर्भर कर रहा है। मानव किससे भोजन प्राप्त करता है, मानव पेड़ पौधों से भी भोजन प्राप्त करता है और जीव जंतुओं से भी भोजन प्राप्त करता है, तो पेड़ पौधे और जंतुओं पर मानव को निर्भर रहना पड़ता है, तो मानव क्या हुआ, विषमपोषी हुआ। तो ये नोटबुक में आप काम करिएगा अच्छे से। चलिए आगे बात करते हैं स्वपोषी में पोषण। देखिए स्वपोषी में किस प्रकार पोषण की क्रिया होती है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणु जो कि प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उनमें होता है। सबसे मुख्य बात हरे पादप, ये मुख्य रूप से तो हरे पादपों में ही पाया जाता है, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, उनमें भी स्वपोषण का गुण पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए स्वपोषण की क्रिया जो है वो आप देख रहे हो कि पादपों में स्वपोषी होते हैं, खुद अपना भोजन बनाते हैं, तो बात यहाँ पर आकर रुक जाती है कि ये अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं। तो ये अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए यह देखिए प्रकाश संश्लेषण, जो पादप भोजन बनाते हैं, पादप द्वारा भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। इस चीज़ से आप परिचित हैं तो इसको थोड़ा विस्तार से और डीपली इसके बारे में समझ लेते हैं क्या ये। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित के रूप में परिवर्तित कर, ऊर्जा में परिवर्तित कर, ऐसा कह सकते हैं हम, कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, पहली लाइन कार्बन डाइऑक्साइड, जल दूसरी चीज के रूप में लिए जाते हैं, और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, देखिए यहाँ जो वर्ड आया ना क्लोरोफिल, ये पादप की पत्तियों के अंदर पाई जाती है संरचना, ठीक है। इसको हरित लवक भी कहा जाता है, हरित लवक, और हरित लवक के कारण ही पादप का जो रंग होता है पत्तियों का वो हरा होता है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए एक तो आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तीसरा सूर्य का प्रकाश, और चौथा है क्लोरोफिल। ये चार चीज़ें मिलकर पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं और भोजन का निर्माण करती हैं। कैसे करती हैं, देखिए ये रहा CO2, ये रहा जल, और ये रहा क्लोरोफिल जो कि पादप के अंदर पाया जाता है, और ये रहा सूर्य का प्रकाश। जब यहाँ पर CO2 और H2O क्रिया करते हैं तो C6H12S6 बनता है, C6H12O6 बनता है, ठीक है। इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन है, और यहाँ पर O2 यानी ऑक्सीजन गैस विमुक्त हो रही है और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश मिलकर क्या बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं पादप के अंदर, और वही जो भोजन है हाइड्रोकार्बन के रूप में पादप के अंदर संचित होता है, इसे मंड भी कहा जाता है। यानी पादप में जो भोजन ऊर्जा जो है, जो भोजन का निर्माण होता है, वो मंड के रूप में ऊर्जा का संचय होता है, इसे मंड भी कहते हैं, ठीक है। चलिए तो दूसरी बात करते हैं, इसको हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन भी है कार्बन भी है। तो ये मुख्य रूप से भोजन में ऊर्जा का, पादप के अंदर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है वो यही है हाइड्रोकार्बन, C6H12O6, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, आप याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, कच्ची सामग्री हम देख चुके हैं, एक सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस चाहिए, इसलिए पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं, हमारे वायुमंडल में CO2 है तो वो इसे प्राप्त कर लेंगे, और जल जो है वो इसलिए पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से कच्चे पदार्थ के रूप में चार पदार्थ चाहिए, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और
जल, इन चार पदार्थों को मिलाकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आगे बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो पादप की पत्ती होती है, उस पादप की पत्ती पर सबसे पहले जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश से इसके ऊपर पाई जाती है संरचनाएं, जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, हरित लवक। हरित लवक ये पादप की कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। ये क्या करेंगे, सबसे पहले प्रकाश की ऊर्जा को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। ठीक है, इसको ग्रहण करेंगे। उसके बाद में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। देखिए उसके बाद होता है ये जो प्रकाश ऊर्जा ही उसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। जो जल है उसका H2 और O2 में टूट जाता है। जल जो होता है H2O वो टूट जाता है H2 में और O2 में। फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। किससे, CO2 से। CO2 से क्या बन जाता है, C6H12O6। इसे कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। इसी कार्बोहाइड्रेट को भोजन ऊर्जा के रूप में संचित करता है। यानी पादप का जो भोजन है वो ये है, क्या है, C6H12O6, जिसे कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। तो ये घटनाएं होती है पादप के अंदर जिसकी वजह से उसमें भोजन का निर्माण होता है। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे रंध्र क्या होते हैं, रंध्र का क्या कार्य होता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप ये काम अपनी नोटबुक में अच्छे से करेंगे, अच्छी हैंडराइटिंग उतारेंगे और इनको याद भी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।